हाय गाइस, तो गाइस मैं अभी जो हूँ वो तैयार होके खड़ी हो चुकी हूँ, मतलब अभी। हाय गाइस, तो गाइस अभी जो है दिया जला लिया है सासू माँ ने, आते हैं तो ये देख सकते हैं सासू माँ लेके आ गए हल्दी और कुमकुम, ऐसे देख सकती हैं ऐसा। ये हमारा केक ओपन हो रहा है, केक का ढक्कन खुल चुका है और गाइस देख सकते हैं बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू, ताले बजाओ मैडम। हाय गाइस, तो गाइस आज बहुत स्पेशल डे है, तो मैं खुद ही अपने लिए जो है वो ब्लाउज तैयार कर रही हूँ, तो बताऊंगी गाइस मैं आगे कि कौन सी साड़ी है। तो गाइस मैंने जो है एक बाजू कर ली है तैयार, ये देख सकती है ऐसा आएगा गाइस, अभी तो ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसे ये देख सकते हैं, तो इसमें मैंने जो है वो ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो इसको मैं जो हूँ अभी खुद ही सिल रही हूँ गाइस, खुद तैयार कर रही हूँ, देख सकते हैं आप मेरी खुद की मशीन से। तो गाइस पहनने के बाद बताऊँगी मैं कैसा लगेगा ये वाला बाजू जो है। तो गाइस मिलती हूँ मैं साड़ी पहनने के बाद, अभी दिखाऊँगी मैं आगे आपको कौन सी साड़ी है। ये ऐसा कलर है इसका, बैंगनी बैंगनी कलर। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस आज आप ब्लॉग देख ही चुके होंगे और पहले का कि हमारा बर्थडे है आज, तो बर्थडे में हस्बैंड नहीं है साथ में, तो गाइस मुझे जो है वो बर्थडे में किसने मतलब कौन सी साड़ी गिफ्ट किया है, तो मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस। तो मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर अनुराधा चैनल गाइस मेरा। और गाइस अभी मैं पसीने से लथपथ हुई हुई हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा काम करके आई बाहर और अभी जो है मेरे देवर आने वाले हैं, देवर करने वाले हैं थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग, और अभी कुछ सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं किया है बर्थडे का, तो गाइज अभी चल रहा है उनका कि कुछ ना कुछ करना है। चलो मेरा तो मन भी नहीं था गाइज केक वगैरह काटने का, कुछ मन नहीं है, और वो बोले नहीं नहीं भाभी साल में एक बार आता है बर्थडे तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, तो ठीक है मैंने कहा ठीक है। सासू माँ बोले नहीं नहीं काट केक, तो गाइज अभी जो है वो केक की तैयारी तो नहीं हुई है, लेकिन अभी जो है वो मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ वो दिखाने वाली हूँ गाइज, और ये साड़ी मुझे किसने गिफ्ट किया वो बताने वाली हूँ गाइज। तो देखिएगा ये साड़ी आपको कितना पसंद आती है कितना नहीं, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइज देखिए मेरी साड़ी का कलर, तो मैंने उसका जो है ब्लाउज खुद ही सिला हुआ है गाइज। गाइस मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ गाइस, ये देख सकते हैं इसका जो है मोर है, मोर पंखी बैंगन कलर है और ऑरेंज कलर है ऊपर को, ये देख सकते हैं, ये देखिएगा तो कैसा है गाइस, इसमें जो है गोल्डन कलर के जो है ये मोर है और ऐसा ऐसा है ये, तो मतलब पठानी साड़ी बोलते हैं गाइज इसको, सिल्क में नहीं आती है ये वाली साड़ियाँ जो है। और ये मेरा ब्लाउज है गाइज तो मैंने इसको खुद ही सिला हुआ है गाइज, खुद ही डिज़ाइन किया मैंने इसको, ये देख सकते हैं, और इसमें जो है वो ग्रीन लेस वगैरह लगाई हुई है और बाजू ऐसे किया हुआ है, ये देख सकते हैं, और ऐसे खुला करके बताती हूँ गाइज ये कटोरी ब्लाउज है, तो ये सही पहनते हैं गाइस कटोरी ब्लाउज ज़्यादातर, और वैसे प्रिंस कट भी पहनते हैं लेकिन मुझे कटोरी ब्लाउज जो है बहुत पसंद है। और ये देख सकते हैं मैंने ऐसे ऐसे सिला इसको, और पीछे का गले का डिज़ाइन बताना चाहूँगी मैं, ऐसा है गाइस, ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देख सकते हैं ऐसे ऐसे, ये देखिएगा गाइस इसमें मैंने जो है ना गोल्डन कलर और जो वाइट कलर का जो मनी मिलते हैं छोटे छोटे बारीक डिज़ाइन के वो लगाए हुए हैं, ऐसे तीन इधर है और ऐसे जो है पांच है और ये कुछ एक है, देख सकते गाइस ये पहनने वाली हूँ गाइस, में मन नहीं है लेकिन चलो साल में एक बार आता है गाइस बर्थडे, ये देख सकते हैं हमारी साड़ी, और अंशु ने कैप कहाँ फेंकी हुई गाइज, देख सकते हैं अंशु की कैप अंशु के पापा लेके आए थे गाइज, तो मैं उसको पहनाऊंगी गाइज ये कैप जो है, अभी देखना
मेरे स्टैंड की हालत भी कैसी कर दी है गाइस, तोड़ दिया है उसने, ये देख सकते हैं। इसलिए मैंने हाथ में पकड़ के जो है वो मोबाइल ऐसे शूट कर रही हूँ ब्लॉग जो है गाइस। बहुत मुश्किल होता है स्टैंड के बिना, ऐसा भी हो ही जाता है। लेकिन ये देख सकते हैं एक जो है इसका एक ही पार्ट चढ़ता है और दो पार्ट जो है ऐसे ऐसे खुल जाते गाइस, ऐसे ऐसे खुल जाते हैं। तंशु बहुत शैतान है अभी। तो गाइज कैसा लगा मेरी साड़ी का कलर? ये साड़ी किसने दिया है गाइज मुझे? ये साड़ी दिया है मेरी सासू माँ ने गाइज, बर्थडे का गिफ्ट दिया है मुझे, पहले से ही दे के रखा, मुझे नहीं मालूम था कि बर्थडे का गिफ्ट है ये। तो अभी मतलब पहले दिया था ये, और मैंने इसके ऊपर साड़ी मतलब ब्लाउज सिलने के लिए लगाया, सासू माँ ने की ब्लाउज सिली इसके ऊपर, वही साड़ी डालनी है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम था ये साड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है गाइज ऐसी। तो अभी पहनने के बाद ही मिलूंगी, कैसी दिखूंगी क्या मालूम गाइस। तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी आगे का जो है वो कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, अभी कुछ मालूम नहीं है क्या क्या करेंगे, लेकिन बताऊंगी आपके साथ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद गाइस, क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया है बाहर, और क्योंकि सासू माँ जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं बाहर। गाय है ना, गाय गाइस हमारी गाय जो है बहुत ज़्यादा गाय है, तो उनके गोबर वगैरह निकालना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है गाइस गांव में। तो मुझे जो है चाय रखनी है अभी, चाय सबको पिलाने से सोची आ गए खेत से। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद गाइस, फाइनली वो टाइम आ चुका है। तो अभी मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, तो गाइस देखिए आगे कैसी लगूंगी। हाय गाइस, तो गाइस मैं अभी जो हूँ वो तैयार होके खड़ी हो चुकी हूँ, मतलब अभी जो है वो हेयर जो कंघी कर लिया, और गाइस थोड़ा मेकअप कर लिया है, थोड़ा डार्क मैट लिपस्टिक लगाई है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस देखिएगा ऐसे मैट लिपस्टिक लगाई है। तो गाइस ये है मेरी साड़ी का कलर, जो है ऑरेंज कलर है और बैंगनी कलर है साथ में ब्लाउज का। तो कैसे लग रहा है गाइस? ये देखिए मेरे बाजू ऐसे मैंने डिज़ाइन के किए हुए हैं, ये ऐसे खुद ही बनाए हुए हैं गाइस मैंने, ये दिख रहे हैं नीचे से गाइस, ऐसे दिख रही है मेरी साड़ी, क्योंकि गाइस फैन चल रहा है तो वो स्ट्रिप जो है वो इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन मतलब मुझे इतना अच्छी तरीके से भी नहीं आती है साड़ी पहनना, थोड़ी थोड़ी आती है तो मैं पहन ही लेती हूँ। सिल्क साड़ी आ जाती है गाइस पहनने के लिए, लेकिन ये पैठानी साड़ियाँ मुझे नहीं मतलब आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती है मुझे। तो कैसी लग रही हूँ गाइस देखिएगा। तो गाइस फिर भी मैंने कोशिश किया ये साड़ी पहनने के लिए, ब्लाउज तो मुझे आ जाता है गाइस सिलने के लिए, मैंने ये डिज़ाइन जो बाजू का पहली बार किया गाइस ऐसे देख देख के। मतलब मेरी चाची जी है, उन्होंने मेरा ड्रेस का बनाया हुआ था पंजाबी सूट का बाजू ऐसा, तो मैं सिर्फ उनका देख देख के जो है वो ऐसा डिज़ाइन कर बैठी, और कैसा लग रहा है देखिए गाइस। और मैंने पैठानी साड़ी गाइस पहली बार पहनी, क्योंकि मैं सिल्क साड़ी ही पहनती हूँ डेली, उसका मतलब सिल्क साड़ी रहता है। और गाइस अभी जो है वो तैयार होके बैठ गई दुल्हन की तरह, और फौजी साहब को मिसिंग है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। तो गाइस अभी जो है वो अंशु खेल रही है अपनी दादी माँ के साथ, और मेरे देवर जी आ गए हैं, वो थोड़ा सा कर रहे हैं बर्थडे का सेट कर रहे हैं, गुब्बारे वगैरह लगा रहे हैं। तो गाइस देखिएगा, और बोल रहे मुझे इस ड्रेस में मत दिखाना भाभी। तो गाइस देखिए ऐसे ऐसे हैं हमारे देवर। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ, देख सकती है चल रही है तैयारी, टेप और एक गुब्बारे हैं, देख सकते हैं गाइस इधर चल रही है, हमारे देवर जी ने किया हुआ है, अभी तक स्टार्टिंग है। ये वाला गुब्बारे, तीन गुब्बारे लगाए हुए हैं, पीछे से सासू माँ भी बोल रहे हैं, सासू माँ को अभी साड़ी चेंज करनी है, भैयों को ड्रेस चेंज करना है, भैयों बोलती हूँ गाइस मैं अपने देवर जी को। तो लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारे लगा रहे हैं। और गाइस ये देख सकते हैं हमारी अंशु, अंशु ओ अंशु खेल रहे अपनी दादी माँ के साथ। हाय गाइस, तो गाइस अभी जो है दिया जला लिया है सासू माँ ने, मतलब इससे जो है आरती उतारेंगे मेरी गाय, जिसका भी बर्थडे होता है उसकी आरती उतारते हैं, और हल्दी और कुंकू लगाते हैं। तो देख सकते हैं सासू माँ लेके आ गए हल्दी और कुंकू, ऐसे देख सकते हैं ऐसा, अभी इसको लेके जाएंगे हम उधर उस वाले रूम में।
और गाइस हमारे देवघर में भी लग चुका है दिया, तो भी आपके साथ साझा करेंगे गाइस इसके बाद हमारे देवघर का भी। तो अभी हम ये प्लेट जो है लेके जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमारा जो है वो सज धज के तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं गाइस ये वाला, क्योंकि टेबल का कवर जो है ख़राब नहीं होगा तो गाइस इसलिए जो है मेरे देवर जी ने ये वाला सर लगाया हुआ है चार्ट, तो ये वाला इधर लग चुके हैं। अभी केक आना बाकी है गाइस, और ये देख सकते हैं इधर हम मैं और अंशी बैठने वाले हैं गाइस, और थोड़ी बहुत सजावट किया है गाइस अभी घर में ही बना रहे हैं क्योंकि हमारे फौजी साहब नहीं है घर में साथ में, तो ऐसा ऐसा बना रहे हैं सिंपल गाइस, ऐसा ही बना रहे हैं हम बर्थडे जो है। मेरे सासू माँ हैं पीछे इधर, और सासू माँ का चल रहा है दिया लगा रहे हैं सासू माँ, और इधर हम बैठने वाले हैं अभी। तो मैं तो हो गई हूँ गाइस तैयार, और साड़ी वगैरह पहन लिया है मैंने गाइस। बर्थडे में बर्थडे की भाजी क्या बनाई, बर्थडे में खाने के लिए भाजी बनाई है हमने, शेव भाजी बोलते हैं गाइस इसको, ये देख सकते हैं ऐसी सी दिख रही है, और मतलब बनाई नहीं है गाइस, पार्सल ही लेके आए हैं मार्केट से, और इसके साथ जो है ये सलाद दिया है ये देख सकते हैं ये, और रोटी जो है मैंने घर में ही बनाई हुई है गाइस। तो सब तैयार हो चुका है, बस मेरे ससुर जी का वेट चल रहा है क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं गाइस शेव भाजी बनाई हुई है गाइस, हमारा केक ओपन हो रहा है, केक का ढक्कन खुल चुका है, और गाइस देख सकते हैं वह अन्नू तो गाइस अभी हम काटने वाले हैं, अभी बाकी है आना हमारे घर वाले जो है, देख सकते हैं ऐसे ओपनिंग हो गई केक की, मेहमान आना बाकी है अभी भूल जाते हैं हम बना गया हमारा केक गाइस, खुद ही करना पड़ रहा है देवर जी के साथ साथ में क्योंकि इस बार हस्बैंड नहीं है साथ में। तो हमारा केक जो है ऐसे रख चुके हैं, ये देख सकते हैं गाइस वाह, अन्नु हैप्पी बर्थडे अन्नु, ये आ चुका है हमारा केक, बोल रहे हैं ऐसे बहुत सा साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा है अच्छा लगा दो ना तो वाह आवाज येडी भो भरपूर भरपूर हाँ दोनों ही चालू। अभी आ रहे मेरी चाची सासू माँ, आई मेरी सासू माँ की तरह आरती उतारेंगे पर काय सोत मस्त चका चका उरलं त्या पुरीला ठेवलं का बरं आता वची म्हणत होती पाय ना अभी क्या बोलू मी किती बोल सकते मी तेरा आले कपडे बदलाव दिले तेरा पाय ना तेला तो पुरणी ना ही साडी नाही ही साडी ही साडी नाही ही साडी ओ ओके। और अभी लास्ट में आ रहे हैं मेरे सबसे बड़े ताई सासू माँ, तो वो भी ऐसी की आरती उतारेंगे
चार पाच मिनिटाचं चालतो ना, 11-15 लिमिट नाही ना काही. काढला फोटो. नोट टाकवा. ए असं नसतं मोठ आहे. खाली ठेव खाली ठेव. नाही ना चौक आहे कस काय तिघीच पाहिजे. नाही तर चौक पाच जण लागतील ना. मोठ आहे. ए पाहू ना सरक सरक चल पाटका. एक अन्नाची एक बाईची राहून द्यायची ना. टोपी काढ इकडे बघा. केक ने तिचं तोंडच दिसत नाही. ती फुगल नाही भारी बघा हातात धरायला. कापा ना कायला वाट पाहायला लागली. आबाच नंतर बर्थडे झाले अरे बर्थडे झाले अरे अर्धच येत आहे ते दरवाजे लोटा आपण एवढा बाहेर कुठ चालल्या. नाही नाही दरवाजा लुटून फक्त फोटो काढा. काय गिफ्ट बिफ्टची काही गरज नाही त्यांना. मी काय म्हणलो होतो हा येऊ राहिली जेवण जेवायला नेमकं जेवायला बसली होती. जाऊ द्या ना नंतर द्या आबा. ओ करू बन. 6:30 झाले ते. हॅपी बर्थडे टू टाळ्या वाजव म्हणून वाजव ना. हॅपी बर्थडे टू यू बर्थडे डिअर हॅपी बर्थडे डिअर हॅपी बर्थडे टू यू. हा बसतो बसतो आबा. इकडे बघ बघ तिला अरे तो फोन कडे झाला होता. मी आज धरला होता. मला काय रे इकडे झाला तिला घाला ना. काय नंतर देऊ म्हणजे काय
चल भाई बूट चलना ते आवा तो आज आवा नंबर लावला पण घेतला ना झालं ना व्हिडिओ चालू आहे इकडे पाय ओके नाही नाही आपण सेल्फी काढू सकाळी काय कशासाठी वाचवायचं सकाळी राहतो रे राहतो आता ताजा बनवला होती ओके सेल्फी दोन मिनिट फक्त एक क्लोजअप मार तो फाइनली अभी जो है केक कट चुका है और अभी सबको बांटने वाले हैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मेरे देवर जी काट रहे हैं ये हमारे घर को तीसरे अच्छा अन्नु अन्नु रह गया बड़ा मस्त बनाया हुआ है ना नहीं मस्त बनाया दिखने के लिए कितना इसका पैसे 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 ओ कल बताऊंगी मैं बीबी को एक बीबी चला भाई भाई इतनी ये अरे फुगा दी बनती थी का नेचे तो ये अन्न तक मैं थोड़ा कौन ना है अरे अरे ना को दी हां अंदर बीबी से साड़ी ले पूछ बोल बीबी साड़ी ला बाबू थैंक यू टोपी घे पल्ली कोण जाय रे टोपी घे गाइज हमारा बर्थडे पार्टी इस तरह से हुआ कुछ सिंपल ही किया हमने कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं किया और ना ही होटल वगैरह में गए हमने घर में ही बनाया गाइज क्योंकि फौजी साहब घर में नहीं थे और मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं था लेकिन देवर जी और सासू माँ माने ही नहीं तो उन्होंने बोला चलो थोड़ा बहुत तो करते ही हैं तो ऐसा रहा कुछ हमारा बर्थडे गाइज बर्थडे पार्टी जो है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सिंपल गाँव की लाइफ है गाइज प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा तो बाय बाय और गाइज बताऊंगी मैं मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं किस किस से कितना क्या क्या मिला है सब बताऊंगी अगले वाले ब्लॉग में तो बाय बाय